बाल्को महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने अपने उद्बोधन की शुरुआत नारी शक्ति को समर्पित काव्य पंक्ति से करते हुए कहा कि वेदांशी पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से समाज की उन नारियों को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है जो अपने काम से समाज की मजबूती और उसकी निरंतर प्रगति में योगदान दे रही है। मार्ग की मुसीबतों से कब रुकी हैं औरतें, युग चुनौतियों के डर से कब झुकी हैं औरतें। उठ कदम बढ़ा कि तेरी चाल में तूफान है, नारी का सम्मान है, नारी का सम्मान है। यह बालको महिला मंडल के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि उसे आप सभी के सहयोग से आज का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिला। आप सभी को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि विधानशी पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से समाज की उन नारियों को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है जो अपने काम से समाज की मजबूती और उसकी निरंतर प्रगति में योगदान दे रही हैं। इस पुरस्कार योजना का संचालन हमारे लिए सबसे ज्यादा गौरव का विषय इसीलिए है क्योंकि इसकी स्थापना तब हुई जब नारी की मजबूती की दिशा में चल रहे आंदोलन ने अपने 100 वर्ष पूरे किए। ये पुरस्कार उसी अभियान की एक कड़ी है। वेदांशी पुरस्कार योजना के निर्णायक मंडल के उपस्थित सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। प्रेजेंट करें, उनका वेलकम करें, उनका ऑनर करें, और आप सब जोरदार तालियां, शुक्रिया। उनको गिफ्ट प्रेजेंट करके उनका वेलकम करें, थैंक यू वेरी वेरी मच। जी हाँ, इनको इनका सम्मान करें, शुक्रिया, बहुत बहुत। श्रीमती गुप्ता के नेतृत्व और बालको महिला मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती ममता मिश्रा तथा सामाजिक गतिविधि समिति प्रमुख श्रीमती रेखा बालकृष्णन के मार्गदर्शन में श्रीमती मोनिका सिंह, श्रीमती विनीता प्रजापति, श्रीमती रानू गुप्ता, श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती अंजू शर्मा, श्रीमती श्रद्धा श्रीवास्तव, श्रीमती अनिता पुरोथी, श्रीमती रेखा कपूर और श्रीमती पद्मा कृष्णन ने सक्रिय भागीदारी की। विधानशी पुरस्कार वितरण के दौरान इंद्रधनुषी कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुंबई के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से कोरबा और बालको नगर वासियों का दिल जीत लिया। गीत, नृत्य और संगीत की इंद्रधनुषी प्रस्तुतियों के बीच विधानशी पुरस्कार 2011 वितरण समारोह कोरबा और बालको नगर के नागरिकों के दिल में उत्कृष्ट आयोजन और बेहतरीन प्रबंधन की अमिट छाप छोड़ गया। मुंबई, भिलाई और कोरबा के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों की भरपूर वाहवाही लूटी। वहीं तीन अंतरालों में पुरस्कार के विजेताओं के नाम खुलने से दर्शकों और प्रतिभागी महिलाओं में अंतिम समय तक विजेताओं का नाम जानने की उत्सुकता बनी रही। लगभग 1,500 नागरिकों ने 20,000 वॉट के साउंड आउटपुट और कोरबा में पहली बार प्रयोग किए गए डिस्को लाइट के बीच आयोजन का लुत्फ उठाया। रंगारंग आयोजन की शुरुआत कोरबा के क्रेजी ग्रुप के बेहतरीन नृत्य से हुई। कलाकारों के शरीर पर तिरंगे की आकृति में पेंटिंग की गई थी। लगभग 10 मिनट की प्रस्तुति में समूह ने गीत, नृत्य और संगीत के उत्कृष्ट समन्वयन के बीच देशभक्ति का संदेश देकर समा बांध दिया। Thank you.
अंतराल में भिलाई से आए क्षिप्रा विजन के कलाकारों ने प्रकाश और ध्वनि के विशेष प्रभाव के साथ नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। कलाकारों ने छत्तीसगढ़ राज्य और देश के विकास में बालको के महत्व से दर्शकों को परिचित कराया। वहीं वेदांत समूह के निवेश से बालको की चहुमुखी प्रगति की झांकी दिखाई गई। ब्रिटिश हुकूमत को ध्वस्त कर लहराते तिरंगे की शान सब देखा है इस धाम के कटोरे में। 15 अगस्त 1947 आजादी के साथ ही देश चल पड़ा विकास यात्रा पर और हमारे छत्तीसगढ़ को एक नया चेहरा मिला। 1 नवंबर 2000 को महानदी से जुड़ी एक नई धारा श्री अनिल अग्रवाल की वेदांत धारा युग दृष्टा अनिल अग्रवाल के प्रयासों का प्रतिफल बना बालको। अनिल अग्रवाल के तकनीकी दर्शन ने धान के कटोरे से जगाया उस बालको को जो झपकिया ले रहा था परंपराओं के झुरमुट में। 2002 बसंत के मीठी धूप की चादर पर चमक उठी ओस की बूंदे। सुदूर दक्षिण से लेकर कश्मीर, बंगाल से लेकर गुजरात तक समूचा भारत आ गया इस लघु भारत को आकार देने। इन सब ने तो इतिहास की पदचाप भर सुनी थी। बालको आकर स्वयं पात्र बनेंगे इतिहास के, ये तो सोचा न था। तीसरे अंतराल में प्रियंका नेगी और उनके समूह ने गीत और नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। प्रियंका ने पुराने और नए फिल्मी गानों के गीत प्रस्तुत किए। वहीं उनके नृत्य समूह ने अपने ब्रेक डांस और भांगड़ा से दर्शकों को कार्यक्रम में बांधे रखा। भरा हर में अरमान
अपनी प्रस्तुति के दौरान प्रियंका दर्शकों के बीच जा पहुंची, जहां बालको महिला मंडल की उपाध्यक्ष श्रीमती ममता मिश्रा के अलावा सुश्री तेजस्विनी गुप्ता सहित बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं ने प्रियंका के सुर से सुर मिलाए। कार्यक्रम का संचालन मुंबई की स्वप्निला गुप्ता ने किया। आइए अब देखें सुरक्षा संदेश। मम्मी आज मैं कूलर साफ कर लूं क्या? आज मेरा छुट्टी भी है और वैसे भी आज बहुत गर्मी पड़ रहा है। बेटा कर ले अभी, लेकिन सावधानी पूर्वक करना और सब साफ सफाई करके उसको फिट कर देना। अरे ये फिर चालू कैसे नहीं हो रहा? लगता है खराब हो गया है, फिर से देखना पड़ेगा इसको।